भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 व्यंजनों के भोग के पीछे विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से अत्यंत प्रसिद्ध कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब गोकुल में अपनी माता यशोदा के साथ रहा करते थे, तब माता यशोदा श्री कृष्ण को दिन के 8 पहर भोजन कराया करती थी। एक बार जब गोकुल पर इंद्रदेव का कहर बरसा और गोकुल में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की समस्या खड़ी हुई, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और समस्त गोकुल वासियों को बाढ़ के कहर से बचा लिया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर 7 दिनों तक उठाए रखा। इंद्रदेव जब श्री कृष्ण के समक्ष हार गए, तब वर्षा समाप्त हुई और समस्त गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर निकले। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर खड़ा रखा। पर्वत से निकलकर गोकुलवासियों को जब यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं, तब सभी गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के लिए दिन के 8 पहर के मुताबिक 7 दिनों का भोजन तैयार करने में जुट गए। 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 प्रकार के पकवान बनाए गए थे। गोकुल वासियों और यशोदा माता ने इन 56 प्रकार के व्यंजनों का श्री कृष्ण को भोग लगाया। इसके बाद से श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए समस्त भक्तगण उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते आए हैं।